एक और शर्मनाक हार के बाद बांग्लादेश के कप्तान ने दिया चौंकाने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, आज भारत ने बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मैच खेला गया और इस मैच में भी टीम इंडिया ने बांग्लादेश को बुरी तरह से हरा दिया। वहीं इस हार के बाद बांग्लादेश के कप्तान नजमुल शंटो भड़क उठे और फिर उन्होंने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, टेस्ट सीरीज के बाद अब टीम इंडिया ने T20 सीरीज में भी बांग्लादेश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। टीम इंडिया ने दिल्ली में खेला गया दूसरा T20 मैच भी आसानी से जीत लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने T20 सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 221 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में बांग्लादेश की टीम लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। टीम इंडिया ने ये मैच 86 रनों के बड़े अंतर से जीता। दिल्ली में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही और पावर प्ले में भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव के विकेट खो दिए। ऐसा लगा कि टीम इंडिया अब बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। नीतीश रेड्डी ने 18 गेंदों में अर्धशतक ठोका, वहीं रिंकू ने 27 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगाई। नीतीश रेड्डी ने कमाल की बैटिंग करते हुए 7 छक्के लगाए। उन्होंने 34 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली। 222 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य सामने थे और ऐसे में बांग्लादेश की टीम दबाव में बिखर गई। भारतीय टीम को पहली सफलता अर्शदीप सिंह ने दिलाई। उन्होंने इमोन को बोल्ड किया। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर भी विकेट ले गए। वरुण चक्रवर्ती ने कमाल गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में महज 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अभिषेक शर्मा, मयंक यादव और रियान पराग को भी एक एक विकेट मिला। नीतीश रेड्डी ने भी 2 विकेट चटकाए। बांग्लादेश के मोहम्मद उल्लाह के अलावा कोई क्रीज पर जमने की जहमत नहीं उठा पाया। वही दोस्तों, इस हार के बाद बांग्लादेश के कप्तान नजमुल शंटो भौंकला गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने टीम इंडिया पर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। शंटो ने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, टीम इंडिया को इस सीरीज जीत के लिए बधाई। टेस्ट और T20 दोनों में उन्होंने हमसे अच्छा क्रिकेट खेला और वो इस सीरीज जीत को डिजर्व भी करते हैं। टीम इंडिया हमसे काफी बेहतर टीम है और वो इस सीरीज में पता चल गया। इस मैच में हमने शुरुआत तो अच्छी की थी, पावर प्ले में ही उनके 3 विकेट झटक कर, लेकिन उसके बाद नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी ने हमें मैच में पूरी तरह से बैक फुट पर डाल दिया। खास करके नीतीश रेड्डी की बल्लेबाजी देखकर हर सब हैरान थे। रिंकू सिंह को तो हमने पहले भी देखा था, लेकिन नीतीश रेड्डी हमारे लिए एक सरप्राइज थे। यही खासियत है टीम इंडिया की, उनके पास एक से बढ़कर एक युवा खिलाड़ी है। शंटो ने आगे कहा, हमने इस मैच में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों खराब रही, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया ने बल्ला और गेंद दोनों से कमाल किया। इस टीम को हराना लगभग नामुमकिन है। हालांकि हम कोशिश करेंगे आखिरी T20 मैच किसी भी हालत में जीतने का। टीम इंडिया से हम एक भी मैच जीत जाए तो वो हमारे लिए बड़ी बात होगी। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे बांग्लादेश के कप्तान का टीम इंडिया पर। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट जरूर करें। वही शंटो का इस बयान का पूरा वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वही दोस्तों, भारतीय टीम के इस शानदार जीत के बाद और इस सीरीज को अपने नाम करने के बाद दो पाकिस्तान के दिग्गजों ने बड़ी बात कही है। सबसे पहले शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि इस टीम में टैलेंट की कोई कमी ही नहीं है। हर एक खिलाड़ी बल्लेबाजी भी करता है और गेंदबाजी भी। इनकी टक्कर की टीम इस समय तो मेरी राय में कोई है ही नहीं। बांग्लादेश की टीम ने दोनों ही मैच में घटिया क्रिकेट खेली है और वो हारना डिजर्व करते थे। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें आखिरी मैच जीतना ही होगा और मुझे लगता है उनकी टीम वो भी नहीं कर पाएगी। वही वसीम अकरम ने बात करते हुए कहा कि इस टीम को देखकर लगता है कि ये टीम आगे और बड़े बड़े कारनामे करने वाली है। एक से बदकर एक युवा खिलाड़ी है। देखकर अच्छा महसूस होता है कि भारतीय टीम का फ्यूचर सही हाथों में है। जिस अंदाज से नीतीश कुमार रेड्डी ने आज खेला, ऐसा लगा ही नहीं कि वो अपने करियर का दूसरा ही मैच भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। आज उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। रिंकू और हार्दिक ने भी उनका अच्छा साथ दिया।
वहीं दोस्तों रमीज राजा ने बात करते हुए कहा कि जब बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के खिलाफ आप 222 का विशाल लक्ष्य रखते हो तो जाहिर सी बात है कि ये मैच भारतीय टीम को ही जीतना था, क्योंकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी तो दमदार है ही, लेकिन उनकी गेंदबाजी भी जबरदस्त है। भले ही उनकी टीम में फिलहाल बुमराह नहीं खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी गेंदबाजी बांग्ला की टीम से तगड़ी है। बांग्लादेश के बल्लेबाज इतने खराब है कि उन्होंने अभिषेक शर्मा जैसे पार्ट टाइम बॉलर को भी अपना विकेट दे दिया। ये दिखाता है कि दोनों टीमों में कितना अंतर है। वही शाहिद अफरीदी ने बात करते हुए कहा कि जब से सूर्या इस भारतीय टीम के कप्तान बने हैं तब से इनकी टीम काफी खतरनाक लग रही है। भले ही इनकी पूरी टीम युवा खिलाड़ियों से भरी हुई है, लेकिन उनका क्रिकेट देखकर कहीं नहीं लगता कि ये युवा टीम है। आज के मैच में भी शुरुआत में 3 विकेट जाने के बाद जिस तरह से रिंकू और खासकर नीतीश रेड्डी ने प्रेशर को संभाला, उनकी क्वालिटी दिखाई देती है। भारतीय बल्लेबाजों ने तो बांग्ला की टीम को धो ही डाला था, लेकिन गेंदबाजों ने तो कमर ही तोड़ दी। मैं भारतीय टीम को इस जीत के लिए और साथ ही सीरीज जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ। दोस्तों कुछ ऐसे बयान थे पाकिस्तानी दिग्गजों के टीम इंडिया पर। वही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने को मिलेगी, और साथ में जल्द ही हम टेलीग्राम चैनल पे एक बहुत बड़ा गिव अवे करने वाले हैं, जिसकी हर अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपकी टीम इंडिया की जीत पर क्या राय है कमेंट जरूर करें। वही दोस्तों इस मैच में एक बार फिर बांग्लादेश के एक खिलाड़ी घटिया हरकत की, जिसके बाद गौतम गंभीर और सूर्या कुमार यादव बुरी तरह से भड़क उठे। दरअसल इस मैच में नीतीश कुमार रेड्डी ने बांग्लादेश की टीम को बुरी तरह से धो डाला। शुरू में पावर प्ले में 3 विकेट झटकने के बाद बांग्लादेश को लगा कि वो मैच में वापसी कर लेंगे, लेकिन नीतीश ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। इसीलिए बांग्लादेश की टीम बौखला गई और नीतीश का मोमेंटम तोड़ने के लिए वो नीतीश को स्लेज कर रहे थे, और एक बार नहीं काफी बार, खास करके लिटन दास बार बार नीतीश को जाकर कुछ कह रहे थे। हालांकि नीतीश ने मुंह से कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने बल्ले से बांग्लादेश को जवाब दिया। लिटन दास के इस हरकत से कोच गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या खुश नहीं थे, और वो अंपायर को इस बात की शिकायत करते दिखे, जिसके बाद अंपायर को बीच में आना पड़ा। मामला काफी गंभीर को गया था। हालांकि अंत में जीत नीतीश रेड्डी की ही हुई, क्योंकि उनकी पारी के वजह से ही बांग्लादेश पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। वही इस घटना का पूरा वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट जरूर करें।